जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में सबका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं नई कुंडली का विश्लेषण। ये जो धन कुंडली है ये सर्वेश नेहा की आईडी से है। सर्वेश जी दी गई बर्थ डिटेल मिलान कीजिए, 16/9/1977 4:30 AM और इटा ETAH उत्तर प्रदेश बर्थ पैलेस है। आपकी दी गई डिटेल से जो लग्न चार्ट आया है वो है सिंह लग्न का, और जिसमें लग्न में ही सूर्य विराजमान शनि और बुध के साथ, राहु द्वितीय भाव में, चंद्रमा तुला राशि तृतीय भाव में, केतु अष्टम भाव मीन राशि में, एकादश भाव में मंगल गुरु मिथुन राशि, शुक्र कर्क राशि द्वादश भाव में विराजमान है। ग्रह स्थिति ये है, पाया ताम्र का है, वर्ण शूद्र है, योनि व्याद की है और गण राक्षस के हैं। लग्न आपका 08 डिग्री मतलब 8 डिग्री का लग्न है, कमजोर लग्न है। तो लग्न को कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए आपको दूसरे किसी के घर का भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, जितना हो सके वर्कआउट कीजिए, काफी आपको इससे मदद मिलेगी। राशि तुला है, स्वामी शुक्र होते हैं, नक्षत्र मगा केतु लग्न का नक्षत्र है, ये चित्रा, ये जहां चंद्रमा विराजमान है तुला राशि में उसका नक्षत्र है चित्रा जो कि मंगल। बात करें शनि की, महादशा चली हुई है 28/11/2032 तक, अंतरदशा केतु की 18/9/2030 तक। ये सामान्य जानकारी आपकी कुंडली की। सूर्य जो है नवमान चलित कुंडली की अगर हम बात करें तो उसमें सूर्य राहु के साथ विराजमान, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, और नवमांस कुंडली में सप्तमेश जो अभी शनि की महादशा चली हुई है ये मेष राशि में नीच के ऊपर एकादश भाव में बैठे। सूर्य शनि की युति सप्तमेश और लग्नेश की युति अस्थिरता अवश्य देगी, ये सही वैसे ही नहीं मानी जाती। चंद्रमा तुला राशि में, तुला राशि अस्थिर वाली राशि है, स्थिरता वाली नहीं चर वाली राशि है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा पर है। शनि की ही महादशा चली हुई है, सप्तमेश होकर मार्केश होते हैं, प्रबल मार्केश होते हैं, तो 2032 तक आपको काफी समस्याओं का यह सामना करवाएंगे, स्ट्रगल खूब करवाएंगे, एक से बढ़ के एक तकलीफ ही आपको देंगे, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए फेस करने के लिए। आप फेस कर सकते हैं, सिंगल लग्न वाले फेस कर लेते हैं, आत्मबल मजबूत रहेगा, आप फेस कर लेंगे। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, केतु की जब दशा या महादशा या अंतरदशा कुछ भी आती है तो समझ लो केतु क्या है, एक बहुत ही पवित्र ग्रह है, प्लानेट है, लेकिन अष्टम भाव में गुप्त वाले भाव में, गुप्त ज्ञान वाले भाव में जब भी बैठ जाता है खासकर शनि के साथ या शनि की महादशा में, तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है उससे लिंक करवा देता है, उससे काफी समस्याएं होती है। हो सकता है आपके पड़ोसी से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपके परिवार के सदस्य से समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये केतु करवा देता है, तो इस चीज से ध्यान रखें, नेगेटिव एनर्जी का असर अवश्य रहता है, केतु करवाता है। तो शनि की महादशा चली हुई है, सप्तमेश की दशा चली हुई है, तो अपनी पत्नी से कोई ना कोई उपहार अवश्य दीजिए, वो जितना प्रसन्न रहेंगी उतना ही आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपकी जो अच्छी चलेगी। शनि अपने ही घर को देख रहे हैं तो यदि हो सके तो उनसे भी आप, अगर वो व्यवसाय में व्यापार करने में सक्षम है, इच्छुक हैं, तो अवश्य करवाइए, आपको चारों तरफ लाभ मिलेगा। अभी आपके भाग्य में किस्मत में शनि देव गिरावट लेके आएंगे, इतना नहीं देंगे वो, सप्तमेश होकर मार्केश बैठे हैं, तो काफी संभल कर पैर फूक फूक कर रखना होगा आपको, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। खेत छुड़ावे खेत अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ये अच्छी से अच्छी चीज आपको छुड़वाएंगे, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। की
शनि तुला राशि होने की वजह से तुला इनकी उच्च राशि होती है तो ये आपको फायदा अवश्य देंगे यदि इनकी सेवा की जाए। तृतीय दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं और चंद्रमा जहां विराजमान है तो ये आपको मानसिक अशांति अवश्य देंगे, डिप्रेशन तक की स्थिति तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर इनकी सेवा की जाए तो ये व्यापार में भी आपको बहुत अद्भुत लाभ देंगे। करना क्या है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप जाप कीजिए, पीपल में जल चढ़ाइए, आदत डाल लीजिए, आलस्य छोड़ दीजिए, शनि आलस्य अवश्य दिलाते हैं तो आलस्य छोड़ दीजिएगा, पैरों को साफ रखिएगा जितना हो सके। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, पीपल में जल चढ़ाना है सूर्योदय के समय और उसमें भी जल चढ़ाते हैं, काले तिल आदि का यूज करके, कच्चा दूध, थोड़ी शक्कर ये चढ़ाई जाती है पश्चिम दिशा में मुख करके, इनकी दिशा जो मानी जाती है पश्चिम दिशा मानी जाती है। शमी के वृक्ष की भी सेवा अद्भुत लाभ देती है, सरसों के तेल में थोड़े शमी के वृक्ष के पत्ते डालकर आप इनको शनिवार वाले दिन तेल अर्पित कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव के सामने, शनिदेव के मंदिर में शनिदेव के सामने तेल चढ़ाकर उनके सामने आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप कीजिए। 12 श्लोक है, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा और लाभ अद्भुत मिलेगा, हर चीज में विजय सफलता मिलेगी, हर काम में आ रही देरी खत्म हो जाएगी, यथाशीघ्र काम जल्दी होने लग जाएगी। तेल, नमक इनका सेवन कम कीजिएगा, हो सके तो सर में जो तेल लगाया जाता है वो अगर ना लगाएं तो ठीक है, अगर आपको जरूरी है तो ही लगाएं। तेल, नमक, चमड़ा, पुराने आपके वस्त्र आदि का इत्यादि का दान करते रहिएगा शनिवार वाले दिन। किसी भी चक्रवर्ती अर्थात जो भी बंगीजन है उनको आप समस्या ज्यादा आ जाए तब गेहूं और जो नमक होता है साबुत नमक डली वाला, उन दोनों को मिलाइए और किसी उनको जो सफाई कर्मचारी उनको आप दान कीजिए, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। हो सके तो आपको नमक का सेवन कम करना चाहिए, काले तिल दूध मिलाकर गाय को आप खिलाइए, कुत्ते को रोटी दीजिए, काले कुत्ते को रोटी दीजिए क्योंकि शनि राहु को भी बैलेंस कर देंगे। शनिदेव के 12 नाम और शनिदेव की पत्नी के 12 नाम, जैसे शनि के 12 नाम है, कौनस्थ है पिंगलो बबरू कृष्ण रुद्रो अंत को यम है, सावरी ही शनिश्व मंद है, पीपला श्रय संस्कृत है, एतानी शनि नामानी जबित शनिदेव शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवी यदि दजनी धामनी चौ कंकला कलैपिया कंटकी कलई चार तुरंगी मई नामानी पत्नी नामेतानी सहजपन गुमान दुखानी नासे तम सौभाग्यम वर्धते सुखम। ये आपको नेट से मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे आपको अवश्य मिल जाएंगे। इसका आपको उठने के साथ ही जाप करना है, बिस्तर के अंदर ही बैठे बैठे आप कर सकते हैं, अद्भुत लाभ इससे आपको मिलेगा, जो आपका मतलब दुर्भाग्य है वो कम हो जाएगा। और शनि हैं, सप्तमेश हैं, इनकी पूजा की जाए तो सभी ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं और शनिवार और मंगलवार वाले दिन या हो सके तो जो मैंने वीडियो डाला था 108 हनुमान चालीसा का 14 वाले दिन आप पढ़ सकते हैं तो इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। सुंदरकांड आप मंगलवार शनिवार को आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समय नहीं मिलता है तो, अगर समय मिलता है तो आप डेली पढ़ सकते हैं, 45 मिनट लगेगा तो ये आप प्रयोग करिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। शनि के बीज मंत्र है जैसे ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, मंत्र की एक माला का जाप रात्रि के समय अवश्य करिए, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो हो सके तो अपना दशांश दान अवश्य करिएगा, फिर चमत्कार देखिएगा। 2032 तक स्ट्रगल है, हार मत मानिए, बस आगे बढ़ते रहिए, 2032 के बाद में काफी कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ शनि की सेवा कीजिए सब कुछ आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप सिर्फ अपने आप सब्सक्राइब मत कीजिए, देखिए आपके जितने भी परिवारजन हैं उनको आप शेयर अवश्य करिए, उनको अवश्य जुड़वाइए क्योंकि इसमें
पूजा पाठ से संबंधित, व्रत आदि से संबंधित भी मैं बताता हूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।